हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पोस्ट के व्यू को काउंट करेंगे। मान लो कि ये हमारा पोस्ट पेज पे सारे पोस्ट दिख रहे हैं, जैसे मैं इस पे रीड मोड करूंगा तो इसमें जितनी बार हमारे व्यूअर इस पोस्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये हमारा काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसे हम यहाँ पे भी डिस्प्ले कराएंगे और इसके डिटेल पेज पे भी काउंट डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके हम लोग कस्टम कोडिंग के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हम अपने थीम में जाते हैं, आपका जो थीम हो एक्टिवेट हो उसमें आप इसे ओपन कर ले। उसके बाद उसमें आपको फंक्शंस डॉट पी एच पी ओपन करना है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस डॉट पी एच पी ओपन कर लिए और यहाँ पे हम लोग जो व्यू हो रहा है, व्यू जो भी होगा उसे हमें पहले स्टोर कराने हैं एक मेटा फील्ड क्रिएट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन का नाम अपने मुताबिक आप कुछ भी दे सकते हो। मैं भी दे रहता हूँ दिवाकर अकेडमी का शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ DA। उसके बाद गेट व्यू व्यूज पोस्ट नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें हम पोस्ट आईडी रिसीव करने वाले हैं, तो इसे एक पैरामीटर पोस्ट आईडी डाल दिया और यहाँ पे एक मेटा की का नाम डाल देता हूँ मैं। पोस्ट व्यूज काउंट के नाम से मैं बना लेता हूँ, इस की को हम यूज करेंगे आगे। और यहाँ पे मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और चेक करूँगा कि गेट पोस्ट मेटा से हम चेक करेंगे कि ये मेटा में वैल्यू आ रहा है, तो इसे हम काउंट में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट आईडी और उसके बाद जो हमने ये की ले रखा है, और उसके बाद हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। अगर एरे में चाहिए तो आपको फॉल्स कर देना है, और सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप ट्रू कर देना है। तो ये मैंने ट्रू कर दिया। अब इसे चेक करेंगे इफ एम्प्टी, अगर काउंट एम्प्टी है तो, अगर काउंट एम्प्टी है तो सबसे पहले इसको काउंट को हम वेरिएबल में 0 स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं ये अगर 0 होगा तो, अगर इस नेम से पहले मेटा क्रिएट होगा तो इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट पोस्ट मेटा के नाम से एक फंक्शन है, डिलीट 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 पोस्ट मेटा, और यहाँ पे हमें पोस्ट आईडी देनी है। तो पोस्ट अंडरस्कोर आईडी जो रिसीव हुआ है यहाँ पैरामीटर में पोस्ट आईडी, उसके बाद हमें की डालने हैं। तो की जो हमने ऊपर यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड मेटा ऐड पोस्ट मेटा करेंगे, ऐड पोस्ट अंडरस्कोर मेटा। इसमें हम पोस्ट आईडी फर्स्ट पैरामीटर में पास करेंगे, तो पोस्ट आईडी और उसके बाद पोस्ट आईडी, उसके बाद हमें की पास करना है, और उसके बाद जो वैल्यू हमें मेटा में ऐड करानी है तो हमें काउंट ऐड कराना है। तो यहाँ पे मैं डॉलर काउंट लिख दूंगा, यह हमारा काउंट ऐड हो गया। अगर एम्प्टी के केस हो तो हम लोग 0 स्टोर करा देंगे। अगर इसके अलावा अगर 0 से मतलब एम्प्टी नहीं है वैल्यू, तो मैं एल्स में यहाँ पे डॉलर काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, जो काउंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी फ्रेंड्स। उसको काउंट को प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद हम इसमें फिर से अपडेट पेस्ट पोस्ट मेटा को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे क्योंकि पहले से ये ऐड हो चुका होगा। तो ये मैं आपको डाटाबेस में भी दिखाऊंगा, पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। अपडेट अपडेट पोस्ट मेटा, और इसमें हम लोग डॉलर पोस्ट आईडी पास कर देंगे, उसके बाद की पास कर देंगे, और उसके बाद जो हमें वैल्यू स्टोर करानी है काउंट की वैल्यू इस तरह से स्टोर कराएंगे। अब हम ये फंक्शन को अपने सिंगल इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने सिंगल डॉट PHP जो फाइल होती है हमें उसे इसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एरर के जस्ट ऊपर ही मैं लिख देता हूँ, चाहे आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी मैं लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी लिख दिया गेट, और यहाँ पे गेट द आईडी यानी कि इसे आईडी
पास कर दिया, यानी कि करंट यूजर का पोस्ट आईडी पास कर दिया। अब हम किसी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, और पहले आपको डेटाबेस में मैं दिखा देता हूँ। इस नाम से कोई मेटा की क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल सी अगर होगी भी तो ये फर्स्ट टाइम इसे डिलीट कर देगा। मैं आपको डाटाबेस में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने, ये मेरा डाटाबेस है, और यहाँ पे पोस्ट मेटा WP पोस्ट मेटा नाम से एक टेबल होगा, पोस्ट मेटा, और इसमें मैं की सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च पे गया मेटा की, नहीं मिला इसको। एक बार मैं इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। पोस्ट 11 है, आप देख सकते हो, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बार फिर से इसे सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये पोस्ट आईडी जिसका है 411, इसका भी पोस्ट व्यू काउंट 0 है। अब एक बार अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो अब ये 1 हो चुका होगा फ्रेंड्स। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ढंग से रिफ्रेश नहीं हुआ। अब इसे मैं एक बार और यहाँ पे गो कर दिया, अभी भी 0 आ रहा है। एक बार मैं इसे दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर तो कर दिया गेट डेटा, गेट द आईडी यहाँ पे सही है। एक बार इसे सेव करके मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ पोस्ट 11 को, और इसे फिर से रिफ्रेश अभी भी 0 आ रहा है। एक बार कोडिंग में चेक कर लेता हूँ, functions.php, इसको एम्प्टी नहीं लगा के मैं ब्लैंक कर देता हूँ कि बार बार ये एम्प्टी हो रहा है, इसलिए इसको ये एक इक्वल टू ब्लैंक हो तो 0, अगर इसमें कुछ भी वैल्यू हो तो एल्स पार्ट में है। इसको मैंने कंडीशन को सही कर दिया। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, एम्प्टी के केस में बार बार वो इफ वाले कंडीशन में जा रहा है। अब इससे एक बार दोबारा सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं वैल्यू 1 हो गया है। अब इसे दोबारा से मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी फ्रेंड्स। अब इसको मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 हो गई, और ये पोस्ट आईडी 411 है। मैं एग्जांपल के लिए इसको एडिट करके भी दिखा देता हूँ समझाने के लिए। देख सकते हैं इसकी पोस्ट आईडी 441 है। अब इसे हमें इसे डिस्प्ले कराने हैं। मान लो कि मुझे यहाँ ऊपर ही आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए फिर मैं फंक्शंस डॉट पीएचपी में जाऊंगा और नीचे एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, फंक्शन फंक्शन क्रिएट कर लूंगा डीए गेट पोस्ट व्यूज नाम से फंक्शन क्रिएट कर, इसमें भी पोस्ट आईडी हमें रिसीव करनी है। और इसको मैं क्या करूंगा, की सेम की को मैं यहाँ ये यूज कर लेता हूँ, की को इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि हमारा मेटा की यही है। और यहाँ पे फिर मैं काउंट काउंट को यहाँ पे गेट करूंगा, तो गेट पोस्ट पोस्ट मेटा जो ऊपर है, मैं इसको टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं इसे भी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा मेटा वैल्यू
हो गया। इसी तरह आप कंडीशन मुझे चेक करना है, तो ये इसी तरह से मैं इसे यहाँ से इफ कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ। अगर वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, डिलीट पोस्ट मेटा करेगा और एड पोस्ट मेटा में वैल्यू 0 ऐड कर देगा, और इसके बाद हमें इसमें रिटर्न करवा देने हैं 0 व्यू आर ई टी यू आर रिटर्न में, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 व्यू कर देता हूँ। और इसके अलावा तो यहाँ पे जो भी व्यू है वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न। उसके बाद डॉलर काउंट, जो काउंट की वैल्यू हमें मिल रही है वो, और उसके बाद यहाँ पे व्यूज लिख देता हूँ। अब इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो सिंगल डॉट पीएचपी पे गया और मैं ऊपर ही कंटेंट के ऊपर ही दिखा देता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ। तो यहाँ पे इको और यहाँ पे गेट गेट द आईडी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यू डिस्प्ले होगा, कितनी बार ये व्यू हुआ है देख सकते हैं, टोटल 2 व्यू जा रहे हैं। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा ये व्यू बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से टोटल 4 व्यू हो गए। इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे आइकन भी, जो आई का आइकन होता है वहां पे वो लगा सकते हो, आपको जैसा मन हो। मैं एक दिखाने के लिए ऐसा किया था आपको। आप चाहें तो यहाँ पे लूप में भी, यहाँ पे ब्लॉक में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आपका जहाँ पे ब्लॉग हो, ब्लॉक पेज के लूप में आप प्रिंट करा सकते हैं। मेरे केस में मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये टेम्पलेट पार्ट लूप पोस्ट के नाम से बना हुआ। अगर जिस जिस टेम्पलेट में आपका होगा लूप, उसमें आप इसे डाल सकते हो। तो मेरे केस में टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर लूप पोस्ट मैंने बना रखा है। अब मैं इसे इमेज के सबसे ऊपर ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे गेट द आईडी, इससे हमें करंट पोस्ट की आईडी मिल जाती है गेट द आईडी से, और इस फंक्शन में पास किया, इसको इको कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा फ्रेंड्स, जिसका जिसका देख सकते हो टोटल 6 व्यू आए हैं, इसके 0 व्यू आए हैं। तो इसको भी मैं एक बार आपको रीड मोड पे डिस्प्ले करा के दिखा दूँ, तो ये 0 व्यू है। एक बार ऐसे रिफ्रेश होगा तो ये 1 व्यू हो चुका है। अब यहाँ पे भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि 1 व्यू आ चुका है इस तरह से। अगर आप, मैं दिखाऊँ आपको डाटाबेस में, तो अब ये 2 मेटा आईडी के साथ, मतलब सॉरी पोस्ट आईडी के साथ ये आपको दिखेंगे अलग अलग इस तरह से। मैं देख सकते हैं 2 या 3, जितने भी आप, जैसे जैसे पेज रिफ्रेश होगा वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 1 1 4 1 4 इस तरह से आईडी है पोस्ट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।